मार्केट साथ यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत। आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि शेयर किसे कहा जाता है और शेयर कितने टाइप के होता है और अलग अलग टाइप का शेयर को हम डिटेल्स में देखेंगे। मान लेते हैं XYZ नाम का एक कंपनी है। इस कंपनी को फंड का जरूरत पड़ जाता है अपना बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए या फिर कंपनी का कोई भी काम करने के लिए। तो अभी कंपनी के पास फंड बनाने का टू ऑप्शन है, एक डेब्ट से मतलब कंपनी बैंक से लोन ले सकता है या फिर डिवेंचर बॉन्ड इशू करके इन्वेस्टर से लोन ले सकता है। दूसरा, कंपनी इन्वेस्टर को इक्विटी सेल करके फंड उठा सकता है। इस इक्विटी को आप ठीक से समझ जाओगे तो आपको शेयर का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो आप ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए आगे मैं जो बताऊंगा। अभी कंपनी डिसाइड करता है इक्विटी सेल करके फंड उठाना है। इसके लिए कंपनी सबसे पहले कंपनी का करेंट सिचुएशन में वैल्यूएशन निकालेगा। तो इस कंपनी का 20 करोड़ रुपीज वैल्यूएशन निकाला गया, मतलब इस कंपनी का मार्केट में वैल्यू है 20 करोड़ रुपीज। कोई भी अगर इस कंपनी को पूरा बाय करना चाहेगा तो उनको 20 करोड़ रुपीज पे करना पड़ेगा कंपनी का एग्जिस्टेंस ओनर को। तो कंपनी अभी 20 करोड़ का 51% स्टेक अपना पास रख के बाकी का 49% स्टेक बेचना चाहता है। कंपनी 51% स्टेक अपना पास रख रहा है ताकि कंपनी के ऊपर पूरा कंट्रोल रख पाए, क्योंकि 50% से ज्यादा स्टेक दूसरे इन्वेस्टर के पास चला जाएगा तो कंपनी का कंट्रोल उनके हाथ चला जाएगा। लेकिन अभी कोई भी एक इन्वेस्टर पूरा 49% स्टेक एक ही कंपनी में बाय करना नहीं चाहेगा। इसके लिए कंपनी इस टोटल वैल्यूएशन को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देगा ताकि कोई भी इन्वेस्टर इसको बाय कर पाए और बहुत सारे इन्वेस्टर को बीच में बेचा जा सके। कंपनी ने अभी 20 करोड़ को 10 रुपीज से डिवाइड कर देता है तो हो रहा है 2 करोड़। इस 2 करोड़ ही कंपनी का टोटल नंबर ऑफ शेयर और एक शेयर का प्राइस है 10 रुपीज। तो अभी छोटे से छोटे इन्वेस्टर भी इस कंपनी का शेयर बाय कर सकता है। ये जो 2 करोड़ है इसी को ही कंपनी का टोटल नंबर ऑफ शेयर कहा जाएगा। तो अभी शेयर का मतलब आपको क्या समझ आया? आसान भाषा में कहूँ तो कंपनी का एक कीमत निकल जाता है और उस कीमत को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया जाता है, उसी को शेयर कहा जाता है और इसी शेयर को अलग अलग इन्वेस्टर को बेचा जाता है। अभी कंपनी 2 करोड़ शेयर का 51% अपने पास रख के बाकी का बेचने का डिसाइड किया। और ये जो शेयर से कंपनी मार्केट में दो तरीके से बेच सकता है, यानी आप कह सकते हो शेयर का 2 टाइप होता है, एक इक्विटी शेयर दूसरा प्रिफरेंस शेयर। तो मान लेते हैं कंपनी ने अपना शेयर को दो अलग अलग व्यक्ति को अलग अलग टाइप का शेयर सेल करता है। अभी हम इस इक्विटी शेयर और प्रिफरेंस शेयर को ठीक से समझेंगे। फर्स्ट है डिविडेंड, मतलब कंपनी कौन सा शेयर होल्डर को कितना प्रॉफिट देता है कंपनी का मेन प्रॉफिट से। इक्विटी शेयर होल्डर्स का डिविडेंड फिक्स नहीं होता है, कंपनी अपने हिसाब से अलग अलग परसेंट दे सकता है। अगर कंपनी चाहे तो डिविडेंड को ना भी दे सकता है इक्विटी शेयर होल्डर वालों को। प्रिफरेंस शेयर होल्डर का डिविडेंड फिक्स्ड होता है, कंपनी एक फिक्स डिविडेंड पे करता है अपना मुनाफे से। नेक्स्ट वोटिंग राइट, मतलब कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर चुनने में कौन सा शेयर होल्डर अपना वोट दे सकता है, इसमें इक्विटी शेयर होल्डर का वोटिंग राइट रहता है लेकिन प्रिफरेंस शेयर होल्डर का वोटिंग राइट नहीं रहता है। नेक्स्ट, कंपनी अगर क्लोज हो जाता है, बैंकरप्सी हो जाता है तो कंपनी के पास जो एसेट बचेगा डेब्ट को चुकाने के बाद, उसमें से कौन सा शेयर होल्डर का फंड पहले दिया जाएगा। तो ऐसा सिचुएशन में पहले प्रिफरेंस शेयर होल्डर का फंड दिया जाता है, बाद में अगर एसेट बचता है तो इक्विटी शेयर होल्डर का फंड दिया जाता है। नेक्स्ट, कौन सा शेयर स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड होता है। इक्विटी शेयर स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड होता है और प्रिफरेंस शेयर स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड नहीं होता है। स्टॉक प्राइस ऊपर होता है तो इक्विटी शेयर होल्डर का प्रॉफिट होता है, क्योंकि तब बढ़ा हुआ शेयर प्राइस से स्टॉक एक्सचेंज में अपना शेयर बेच सकता है ये शेयर होल्डर, और इक्विटी शेयर होल्डर को यही से मेन प्रॉफिट होता है। इसी तरह शेयर प्राइस डाउन हो जाता है तो इक्विटी शेयर होल्डर का लॉस भी होता है। प्रिफरेंस शेयर होल्डर्स को स्टॉक प्राइस अप डाउन होने पर इन्वेस्टमेंट फंड का कोई भी चेंज नहीं होता है, इनको सिर्फ फिक्स डिविडेंड मिलता रहता है। रिस्क एंड रिवार्ड देखा जाए तो इक्विटी शेयर होल्डर को हाई रिस्क रहता है, क्योंकि इक्विटी शेयर स्टॉक में ट्रेड होता है, कोई भी इकोनॉमिक स्लोडाउन आता है या फिर कंपनी का परफॉर्मेंस बिगड़ जाता है, कंपनी का बिजनेस से जुड़ा कुछ नेगेटिव न्यूज आ जाता है तो शेयर प्राइस गिर जाता है, और कंपनी बैंकरप्सी हो जाता है तो भी इक्विटी शेयर होल्डर्स को लास्ट में अपना हिस्सेदारी मिलता है। प्रिफरेंस शेयर होल्डर को कंपैरेटिवली लो रिस्क होता है। आप देख लेते हैं कौन सा इन्वेस्टर किस टाइप का शेयर
खरीद सकता है। इक्विटी शेयर्स को रिटेल इन्वेस्टर, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, HNI यानी वेल्थी इंडिविजुअल या फिर कोई भी खरीद सकता है। प्रेफरेंस शेयर्स को कंपनी किसी रिटेल इन्वेस्टर को सेल नहीं करता, इसको जनरली बाय करता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, HNI, पी इन्वेस्टर, VC इन्वेस्टर। अभी एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स एंड एग्जिस्टिंग प्रेफरेंस शेयर होल्डर अपना शेयर कैसे सेल कर सकता है देख लेते हैं। इक्विटी शेयर होल्डर्स अपना शेयर कभी भी स्टॉक एक्सचेंज में सेल कर सकता है दूसरे इन्वेस्टर को, या फिर कंपनी अगर अपना शेयर बायबैक करेगा तो कंपनी को भी सेल कर सकता है। और प्रिफरेंस शेयर का एक मैच्योरिटी पीरियड होता है, मैच्योरिटी खत्म होने पर कंपनी अपना शेयर बायबैक कर लेता है या फिर प्रिफरेंस शेयर को इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर देता है। जब इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो जाता है तब शेयर होल्डर कभी भी स्टॉक एक्सचेंज में बेच सकता है। तो आशा करता हूँ आपको शेयर क्या है और शेयर का टाइप का कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है। प्रिफरेंस शेयर को और भी अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया जाता है, लेकिन हमारा मेन फोकस है स्टॉक मार्केट। और मैं मान के चल रहा हूँ आप एक बिगिनर्स हो और एक बिगिनर के लिए इतना जानना काफी है इस टॉपिक पर। वैसे प्रिफरेंस शेयर स्टॉक मार्केट में ट्रेड भी नहीं होता है, इसीलिए प्रिफरेंस शेयर का और अलग अलग टाइप का डिटेल्स में मैं नहीं जाऊँगा। तो ठीक है, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अच्छा लगा तो लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।